कैसा लगा गाइस? तो आई होप यू लाइक दिस लुक या मैन विद हिज फोर डॉटर्स. हां, और आपके पास कोई अगर सवाल हो हमारे लिए, सेट के लिए, मेरे लिए, नितेश जी के लिए, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस. चेक. हाय आमिर सर, दिस इज आलोक. हाय सर. पोस्टर आपका जब भी आता है तो कुछ ना कुछ खास कर जाता है. जैसे पिछली फिल्म भी हमने देखी थी, आप रेडियो के साथ थे और उस लुक में थे. इस बार पारिवारिक तरीके से और ख़ास तौर से लड़कियों के ऊपर आपने ये लाइन लिखी गई कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम हैं कर, तो इस पोस्टर के पीछे की क्या कहानी थी अगर आप ये थोड़ा बताना चाहें? ये जो है ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट, जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का, कि एक इंसान है, उसकी चार बेटियाँ हैं और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी चार बेटियां हैं और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे. लिहाजा वो लाइन, वो फिल्म के अंदर ये एक दफ़ा एक जगह पे ये लाइन आती है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट, आई मीन दिस वन इमेज टेल्स यू, ये आपको बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है. एंड सर, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का बाकी. तो शूट करने का जितना भी फेज था, लाइक आप हैवी बॉडी में थे दिन, तो हाँ हाँ शूटिंग पूरी हो गई हमारी. शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वजन बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है फिल्म में शुरू होती है, एक छोटा सा 10-15% इज यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है. एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है. किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, अभी जो हमारे सामने हैं, बड़ी बॉडी वाले या एकदम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं. किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है, मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी ना किसी किरदार में होते हो. और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ. इस वक्त तो मुझे ये अच्छा लगता है यार, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर. आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक हियर एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर. किरण जी को, हाँ किरण जी को भी एक्चुअली ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती हैं आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है, पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है. मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज़ होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे किरण जी, मैं उनको बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ मैं. तो विमेन ऑलवेज लाइक एल्डरली मैन. अरे यार, तो मैं तो बड़ा एल्डरली हूँ आजकल. या आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा सीक्रेट है यार. हाय आमिर, डे आफ्टर देयर इज अनदर फिल्म ऑन रेसलिंग दैट्स रिलीजिंग. हाय आमिर हियर. या सॉरी, शिल्पा फ्रॉम इंडिया टुडे. सॉरी, डे आफ्टर अनदर फिल्म ऑन रेसलिंग इज रिलीजिंग सुल्तान. एनी सिमिलैरिटीज एट ऑल टू दंगल दैट यू हैव नोटिस्ड? नो, नॉट दैट आई हैव नोटिस्ड. आई मीन देयर इज रेसलिंग व्हिच इज कॉमन, बट that way so many films are common, so many films are revenge films, so many films are romantic films, so I think the genre of the film is quite different, the story itself is very different, one aspect of wrestling is common, but Sultan is a film that whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film, I really love the way the director has, you know, shot the songs and the trailers, it looks like a very exciting film. And I really hope that it's a huge, huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely. And Amar, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of the storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So what is your take on it? Well, I feel what, I mean, I'm going by the media reports of what, because I wasn't present when this happened. But as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate.
and rather insensitive. That's what I feel. Yeah, this is Artika here. हम देख सकते हैं posters में बेटियाँ नजर आ रही हैं. आप भी एक बेटी, दो बेटों के बाप हैं. India में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज़्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है. बजाय इसके कि बेटियाँ आगे बढ़ें, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती. वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनज़ीर भुट्टो और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है. तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने में? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है. आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज़ उनको सिखाएं. तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं. धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो, जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है. तो ना कम है ना ज़्यादा है. देयर इज एन इक्वालिटी, देयर शुड बी एन इक्वालिटी. और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है. दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म. दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है. ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी ख़ास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है. ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है. ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप. आप किसी चीज़ को लें तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमज़ोर ना करें, जैसे लगान में था. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. और सबसे ख़ास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नितेश जी ने, मुझे याद है नितेश जी और सिद्ध दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये महावीर, गीता और बबीता की कहानी है. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम, कोई सीरियस, बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी. तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नितेश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ इन द नरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट. सो द अमाउंट आई लाफ्ड वाज इक्वल टू द अमाउंट आई, यू नो, वाज मूव्ड बाय द स्टोरी. एंड दैट वाज अ रियली रिफ्रेशिंग थिंग फॉर मी. मुझे बड़ा उसमें मजा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है नितेश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मज़ा भी आता है, आप कुछ चीज़ें समझते भी हैं, आपको, आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है. सो आई रियली वांट टू थैंक नितेश जी. अच्छा, आप मेरे पास आए क्यों? कोई आप लोगों को सवाल नहीं पूछ रहे यार, सब मेरे पीछे पड़ गए. नितेश जी को भी पूछिए. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई. मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया. इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया. आई वॉज लाइक रियली मूव्ड बाई द स्क्रिप्ट. आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड. तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है. फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम थ्री करके निकला हूँ, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं, जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है. तो मैंने कहा यार, मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है. तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ. मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फ़ैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे. तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी. तो मैंने एक्चुअली, मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल, 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी. मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूँगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊँगा, अगली देखूँगा. तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा. तो ये सारी फिक्रें थी मुझे. और
ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फ़ोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी। मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक हो जाएगा उसको डब्बे में डालो, मुझे ये भी करनी है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूँगा, मोटा होना है मोटा हो जाऊँगा, जो करना है मैं करूँगा, और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहाँ दिल है अपना अपने को वहाँ जाना है। तो देन आई डिड इट इमीडिएटली। आई हैड ओनली वन रिक्वेस्ट, मयूर वन लास्ट पार्ट ऑफ इट, सॉरी माय बैड डे, आई एम सो सॉरी। मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग, मैं वेट बढ़ाऊं, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुढ़ा हो जाऊं, 55 तक पहुंचूं, ये सब हम कर सकते थे। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूं, आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए और फिर हम, मैं वेट कम करूंगा, लूज करूंगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूं आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे। इन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 9700 किलोज होगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की, ना कोई जल्दी होगी। तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है। तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक जो एक गोल मेरे सामने होगा उसको मैं अचीव कर पाऊंगा, तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। सर यू बीन अ मैन हु इंक्लाइन टुवर्ड्स सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑलवेज बीन थ्रू सत्यमेव जयते और एनी अदर थिंग, व्हाई यू केप्ट द नेम दिस मूवी दंगल, एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट? दंगल एक्चुअली टाइटल तो नितेश जी ने लिखा है, क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनाई मुझे तो उसी वक्त उनके माइंड में ये टाइटल था। तो आपने क्यों चुना ये टाइटल? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो इट केम विद द टाइटल दंगल ओनली। अच्छा। हाँ, मतलब वन द चार लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से, फ्रॉम डिज्नी की टीम से, तो उसका टाइटल दंगल ही था, यू नो। तो आई नेवर फाउंड एनी नीड टू चेंज इट बिकॉज इट्स सो अप्रोप्रिएट। दंगल इज एक्चुअली, आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब राइट्स है ना? दंगल का मतलब राइट्स नहीं है, वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल राइट्स। एक्चुअली हिंदी में, हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती, कुश्ती या बाउट, अ चैलेंजिंग बाउट इज अ दंगल। और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैं उसके बोल आपको एक दो लाइन सुनाता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पगबक प्यारे दंगल दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। तो आई जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ द थॉट ऑफ द सॉन्ग कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस, एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल, हाउ यू रिएक्ट टू इट, हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से, और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, हमने, उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में। हाँ नहीं, देखिए देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता। लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि एक्चुअली साक्षी जी के का थॉट मेरे माइंड में पहले आया और मैंने नितेश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर, क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं एंड शी लव्स साक्षी। तो आई टोल्ड नितेश जी कि यार लेट्स ट्राई हर, एंड नितेश जी ने टेस्ट लिया, नितेश जी को पसंद आया टेस्ट, एंड दैट्स हाउ शी वाज कास्ट, एंड शी इज फैंटास्टिक आई टेल यू। मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल। मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है पहले टेक में, और नॉट ओनली शी इज स्किल्ड बट शी इज सो वेट विद इमोशंस, सो देयर इज अ
deadly combination of real skill with, you know, feeling the shot while you're doing it, which I find that very rare, you know. And every shot she does that. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो डम 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 बॉल को सिक्सर सिक्सर मार रही है मुझे लग रहे हैं 7 take 8 take शी इज फैंटास्टिक आई जस्ट लव्ड हर एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विद रियली वंडरफुल टू वर्क विद तो मैंने नितेश जी को बोला कि देखिए नितेश जी मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए मैं अभी कहाँ सोच रहा मैंने सोचा भी नहीं था आपने सोचा नहीं सर नहीं सोचा आपने चलिए अच्छी बात है आपने नहीं सोचा सॉरी व्हेन इज द ट्रेलर एक्सपेक्टेड यू नो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द ट्रेलर सो एज सून एज वी आर रेडी आई कांट से येट व्हेन व्हेन आई एम अप्लाइंग टू वॉच सुल्तान The moment it comes in the theaters, yeah, 6th July, hopefully I'll see 6th soon enough. Koshish karunga jaldi se jaldi. Thank you so much, everyone. Thank you so much.